मोहम्मद नईम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नईम स्पीक्स। आज दूसरा T20 आई खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वन कम्प्रेहेंसिवली बाय 9 विकेट्स। और टॉस जीता बांग्लादेश ने, अगेन पाकिस्तान को दावत दी कि वो बॉलिंग करें और खुद आए बैटिंग करने के लिए और सिर्फ 136 रन बनाए। और मैं समझता हूँ कि फिर 20 से 25 रन शॉर्ट थे इस पिच पे, जो कल से बेहतर दिख रही थी। इस पे 150-160 प्लस रन्स करते तो तभी ये पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किलात में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। और आई मस्ट से कि हसनैन ने जिस तरह कल की मिस्टेक से सीखा वो बहुत ही खुशाइन बात है। स्लोअर वंस और चेंज ऑफ पेस उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया। और एक चीज़ हमें देखने को मिली कि डेप्थ ओवर्स में हमें एक बॉलर मिल गया है हारिस रऊफ की शक्ल में, हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे तो चारों के चारों आवर्स एट द एंड हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेस है, उनके पास यॉर्कर स्टफ एंड ईच एंड एवरी थिंग उनके पास है जो होनी चाहिए एक डेप्थ बॉलर के पास। सो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को ही हारिस रऊफ को ही कंटिन्यू करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए भी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैव फाउंड सम राइट कम्बिनेशन, और देखना होगा कि एहसन अली को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं या उन्हें और मौके मिलने चाहिए या नहीं, ये तो देखना ही होगा। और विकेट कीपर हार्ड हिटिंग बैट्समैन लाना चाहिए या नहीं, ये दो माइन्यूट सी चेंजेस है। अदरवाइज दिस टीम लुक एब्सोल्यूट नंबर वन। और देयर इज सेइंग इन इंग्लिश के इफ़ नॉट ब्रोकन वाई फिक्स्ड, अगर एक चीज़ टूटी नहीं है तो उसे आप जोड़ते क्यों हो। मैं बात कर रहा हूँ मलिक और हफीज़ की। पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी टीम नंबर वन है और मलिक और हफीज़ वॉज द पार्ट ऑफ द टीम, और आपने उन्हें उठा के बाहर कर दिया। और ये आपके जहन में आया कि वो शायद 38 साल के हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्या आपने उनकी रिप्लेसमेंट फाइंड की? नहीं। क्या आपके पास कोई और बैकअप में प्लेयर ऐसे मौजूद हो जो उनको रिप्लेस करें टिल T20 वर्ल्ड कप? नो, यू डोंट हैव प्लेयर्स। और मलिक एंड हफीज आर आल्सो परफॉर्मिंग वेल, सो नो नीड टू रिप्लेस देम। पिछले मैच में मलिक और इस मैच में हफीज़ ने जिस तरह शो किया कि वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट टू दिस टीम, और स्पेशली वेन यू आर चेसिंग, सो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी टीम को आगे लेके गए। और देखना ये होगा कि तीसरे T20 मैच में क्या चेंजेस करती है पाकिस्तानी टीम। और बाबर आजम को मैं भूल ही गया, जो कि भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ही इज़ अ क्लास एक्ट। और मैं हमेशा से इस चीज़ के फेवर में था कि आपका कप्तान ऐसा होना चाहिए जो फ्रंट से लीड करे, और यही चीज़ बाबर आजम में है। जो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी टीम पे उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी, और एक पॉजिटिव साइन है ये किसी भी टीम के लिए। और वी विश पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बेस्ट ऑफ लक फॉर द थर्ड T20 आई। जो टीम अच्छा खेले वही जीते, और पाकिस्तान हैव गेन्ड सम रिदम, हैव फाउंड सम मोमेंटम। वी विल मेक आवर रिव्यूज ऑन द थर्ड मैच आल्सो। टिल देन इट्स गुड बाय।